Hey guys, what's up? So this is our 11th chapter, New Empires and Kingdoms. अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक डाउट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ये एक मुगल एम्परर था, बहुत फेमस. वो वीणा प्ले करता था, ठीक है? मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप बताएं कमेंट सेक्शन में बिलो. तो प्रशस्तीज क्या होता है? प्रशस्तीज होता है कि जब हम किसी की प्रेज करते हैं इन इंस्क्रिप्शन वगैरह में, ठीक है? एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी हुई है गुप्तास. इनका एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेट मी शो यू एम्पायर. इतना बड़ा एम्पायर था एंड ये बहुत ही फेमस राजा है उनके, जिनका नाम है समुद्रगुप्ता, ठीक है? इन समुद्रगुप्ता के बहुत सारे डिफरेंट नाम है. एक इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ही वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू हिज पोर्ट्रेट, ठीक है? वो कहते थे कि ही इज़ अ हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ठीक है? क्योंकि इनके बहुत सारे स्कार्स वगैरह थे. तो हिज कोर्ट पोएट वॉज हरिसेना. ये नियरली 1700 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? और ये सारे इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे लिखे हुए हैं? अशोकन पिलर में, अलाहाबाद. एंड प्रशस्ति, जैसे मैंने कि आपको बताया, इन प्रेज लिखते हैं किसी की, जब प्रशंसा करते हैं. तो अगर आपको वर्ड का मतलब ना पता चले तो उसको तोड़ तोड़ के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. जैसे प्रशस्ति, प्रशंसा, कितना सिमिलर है ना, तो ऐसे पता चलाते हैं, ठीक है? अब जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, लाइक गौतमीपुत्र सत्कर्णी, ठीक है? वशिष्ठीपुत्र, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे. और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी, इस पे बताया हुआ था कि वो बहुत सारी बैटल जीते थे एंड उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब उनके प्रेज की जाती थी. इवन ही वॉज कंपेयर्ड, मतलब इक्वल टू गॉड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार जीते हैं वो. प्रशस्ति वॉज अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस. इसमें बहुत कुछ बताया जाता था कि जैसे समुद्रगुप्त के ऊपर एक लिखी गई थी, तो इसमें कहा गया था कि उसकी बॉडी बहुत चार्मिंग है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे स्कार्स थे ड्यू टू बैटल एक्सेस एंड जैवलिन स्पेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है? इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना, हमें याद रखना प्लीज़. इसमें बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त की पॉलिसीज थी वो कैसी कैसी थी, ठीक है? और एक रूलर्स थे आर्यवर्ता. यहाँ पे मतलब इन्होंने बताया है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दक्षिण पथा ये सारे रूलर्स थे अलग अलग, ये इनको सराउंड करते थे और इनकी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, ठीक है? ये हम ज़्यादा कुछ नहीं जाना इस डिटेल में, नॉर्मली आपको बताना चाहिए, बस एक बार रीड मारना है. एंड दिस वॉज द एम्पायर जस्ट लाइक आई शोड यू. एंड जीनोलॉजीज, ये क्या होता है? देखो, आपको वर्ड से पता चल जाएगा. जीन, जीन मतलब फैमिली से आता है ना आपके, तो मतलब फैमिलीज की जो स्टडी होती है उसमें से. तो प्रशस्तीज कहते हैं कि जो ग्रैंडफादर थे समुद्रगुप्त के, वो लिच्छवी गणा से थे, ठीक है? मतलब ये सारे उस ये महाजनपद थे ना उस टाइम के पीरियड की बात कर रहे हैं. और समुद्रगुप्त के जो एक ना बहुत ही ग्रैंड टाइटल है, ये हमेशा याद रखना, इसके कहते हैं महाराज अधिराज. ये बहुत सारे जितने भी रूलर्स हैं, बहुतों ने यूज़ किया है. एग्जाम्पल योर चोला एम्पायर के जैसे जो राजा थे, राजा राजा, उन्होंने भी ये महाराज अधिराज यूज़ किया है, या फिर महाराजा टाइटल यूज़ करते थे. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, जैसे रामू श्यामू होता है ना, वैसे ये बहुत फेमस नाम है. फाइन, ये बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स थे, इसलिए. तो समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया है एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी यूज़ किया है, ठीक है? जैसे बहुत ही कॉमन नाम होता था, ठीक है? एंड ये इन्होंने एक वेस्टर्न में एक्सपीडिशन किया था जिसमें इन्होंने साकास को ख़त्म कर दिया, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू मतलब इनके कोर्ट में ना बहुत सारे, अब ऑब्वियसली ही इज अ किंग, तो किंग में किंग के वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही मतलब फेमस होते थे किसी ना किसी चीज़ के लिए. तो इनके कोर्ट में जो दो मोस्ट फेमस थे, ही वॉज द कालिदासा, आपको एक पोएट पता होगा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, और आर्यभट्टा, द एस्ट्रोनॉमर, द इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर, मतलब आर्यभट्टा हो गए बस जीरो, हु इन्वेंटेड जीरो. एंड हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता, ये हर्षवर्धन एक एम्पायर है, हर्षवर्धन का एक एम्पायर है जिसको कहते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी. एंड इन्होंने रूल किया है लगभग 1400 साल पहले, ठीक है? एंड इनके कोर्ट पोएट का नाम है बाना भाटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एक बार. बाना भाटा ने क्या लिखा था? एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरिता, और संस्कृत में लिखी थी है, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग इनके अकाउंट देते हैं कि ये इनके पास इंस्क्रिप्शन थे, कॉइन्स थे, इन्होंने
लेट मी शो यू कॉइन, उनका कॉइन था एक यहाँ पे। हाँ जी, ये गुप्ता पीरियड का कॉइन है। कैन यू सी? सो एक ऐसे ही, मतलब इनके बहुत सारे, इनका डिटेल देते हैं कि कॉइन्स थे एंड इनके जो वहाँ पे राजपाट था वो कैसे चलता था, ठीक है। तो हर्षा, हर्षा एक बहुत ही ज़्यादा बड़े किंग थे एंड बहुत सारी जगह पे उन्होंने आर्मी एक्सपेडिशंस किए थे, लाइक कनौज, बंगाल। मैं आपको दो जगह बताता हूँ, बंगाल और ईस्ट। ज़्यादातर टाइम ना ये लाइक इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। बंगाल बहुत सारे राजाओं ने कब्जा किया बट फिर वो थोड़े टाइम बाद फिर इंडिपेंडेंट हो जाता था क्योंकि दूर था ना, दिल्ली से बहुत दूर था तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल था। एंड सेम विद द ईस्ट, ठीक है। ये बाद में होम्स वगैरह आए तो, बट ये इंडिपेंडेंट ही रहा मोस्टली, ठीक है। बंगाल, बंगाल ज़्यादातर तो, एंड इन्होंने बंगाल और मगध कॉन्कर किया, ठीक है। इन्होंने जब दक्षिण, मतलब डेक्कन की तरफ मार्च करना शुरू किया तो एक चालुक्यन किंग, बहुत इंपॉर्टेंट चालुक्यन किंग पुष्यभूति, सॉरी चालुक्यन किंग पुलाकेशिन ने इनको हराया था, पुलाकेशिन टू, ठीक है। एक चालुक्यन डायनेस्टी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जैसे पल्लवाज, चालुक्यास, ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम थोड़े मेडिवल पीरियड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जब हमने पहले पढ़ा था जैसे चोलाज वगैरह, वो एग्जिस्ट करते थे 3 BC के अराउंड, ठीक है। और ये पल्लवाज वगैरह एग्जिस्ट करते थे अराउंड 270 CE, मतलब आफ्टर AD, AD, ठीक है, 275 AD, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 300-400 साल का फ़र्क है, तो कंफ्यूज मत होना। पल्लवाज वगैरह बाद में आए थे एंड पल्लवाज वगैरह में ये जो इनका रीजन था ये कृष्णा एंड तुंगभद्रा चालुक्यज वाले का था एंड पल्लवाज वर स्प्रेड ओवर कावेरी डेल्टा, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया रख लो। लाइक आई टोल्ड यू कि जो हिस्ट्री हिस्ट्री है वो जियोग्राफिकली पढ़ी जाती है और जियोग्राफी हिस्टोरिकली पढ़ी जाती है, तो आपको ज़्यादा अच्छी याद रहेगी। एक कैपिटल थी चालुक्यास की, ऐहोल, ठीक है। एंड ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी थी, रिलीजियस सेंटर था, यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स थे। और ये चालुक्यास और पांड्यास के बीच में ना लड़ाई चलती रहती थी, मतलब नॉर्मल सी बात है कि ये एक दूसरे के कैपिटल पे अटैक कर देते थे, ठीक है। पुलकेशिन टू की जो प्रशस्ति है वो कंपोज की थी रविकृति, इम्पोर्टेंट है, रविकृति ने उनका पोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट था, ठीक है। एंड पुलकेशिन, रविकृति ने ये भी बताया कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए जैसे वेस्ट में, ईस्ट में, ठीक है। एंड हर्षा को भी कंट्रोल में रखा कि मतलब हर्षा को इन्होंने हरा दिया था। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस एंड आफ्टर द हिज डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, ठीक है। तो मतलब वह खुश नहीं रह सके। तो पुलकेशिन ने पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक किया, ठीक है। एंड इनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल की वजह से, क्योंकि ये चाहते थे एक दूसरे के टेरिटरीज। सो ये जो जनरली हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, किंगडम्स कैसे एडमिनिस्टर्ड होते थे, इनके लाइक रेवेन्यू सिस्टम एंड जितने जितने अच्छे रेवेन्यू सिस्टम थे उतने ज़्यादा देर लास्ट किए हैं जितने बड़े बड़े किंगडम्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये क्या करते थे कि जितने भी राजा वगैरह थे ना ये लोगों को ज़मीन वगैरह बांट देते थे, जिसके पास जितनी फिर ज़मीन है उसमें से, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत अमीर थे उनको ज़मीन एकता, ये बाद में आके एकतास बने, जो यहाँ पे क्या सिस्टम था कि है जब ज़मीन देते थे तो उनको मेंटेन करने देते थे ट्रूप्स वगैरह, उनको पैसे वगैरह नहीं दिया जाते थे, सिर्फ उनको ज़मीन दी जाती थी, वहाँ से वो पैसे लेते थे और वहाँ से ही वो अपना सब कुछ देखते थे कि घोड़े पालने हैं जब राजा को ज़रूरत है, वहाँ पर घोड़े चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे, जैसे हरिसेना एक मिनिस्टर था जिसे कहते हैं महाधन धन धन धंधा नयका, ठीक है, धंधा न्यायका, ये क्या था, ये जुडिशियल ऑफिसर था। तो ऐसे बहुत सारी जगह, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम तो थे ही, और इनको ऐसा भी था कि एक से ज़्यादा पोस्ट दी जाती थी, ठीक है। जैसे इनको बहुत सारी पोस्ट दी गई थी जैसे मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है, एंड बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, ठीक है। इनको और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे नगर श्रेष्ठीज, ये चीफ बैंकर्स होते थे, ठीक है। बाद में आके आपने एक सरनेम सुना होगा शेठीज, देवर ऑल्सो बैंकर, ठीक है, जैसे सुनील शेठी वगैरह ना, मतलब वो बैंकर नहीं है बट वैसे उनकी
जो एंशियंट में जितने भी उनके परदादे वगैरह थे वो ज़्यादातर बैंकर्स थे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्क्राइब्स वगैरह मतलब यहाँ पे क्राफ्टमैन, चीफ क्राफ्टमैन भी थे, वो सारा देखते थे कि कैसे काम वगैरह चल रहा है, या आर्टिशियंस वगैरह वाले, ठीक है। सो क्या होता था, जैसे ही आई टोल्ड यू, जैसे ये जो लोग थे ना, जो मेंटेन ट्रूप वगैरह मेंटेन करने के लिए जिनको ज़मीन वगैरह दी जाती थी, अगर राजा वीक होता था तो वो मोस्टली अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है। एंड आर्मीज़ में क्या था, आर्मीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी हुई है, लाइक बहुत सारे ट्रैवलर्स जो बाहर से आए थे, ठीक है, फाहिन वगैरह, इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, एलिफेंट्स थे, चैरियट्स थे, एलिफेंट्स तो इंडिया की खासियत है ना, ठीक है। तो चैरियट्स, मिलिट्री फुट सोल्जर्स, ठीक है, जिनको बाद में कैवलरी वगैरह को सवार वगैरह कहा गया था, ये मेडिवल पीरियड में कहा गया था, बट ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ट्रूप्स के साथ यहाँ पे, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू के हिसाब से होता था, और इनको समानताज कहते थे उस टाइम पे, बाद में इकताज वगैरह बोलने लगे इनको, ठीक है, इकतादार वगैरह वगैरह, बट पहले इनको समानताज बोला जाता था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इनकी असेंबलीज थी वो कौन सी थी, सभाज, सभाज एंड समिति, जैसे आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सभाज में क्या था कि असेंबली थी और ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे, ठीक है। उसके बाद ये देख रेख करते थे मोस्टली ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, ठीक है। एंड आपने वर्ड सुना होगा उर, उर का मतलब होता है असेंबली ऑफ विलेजेस। तो ऐसे ही एक नाडू होता है, मतलब थोड़े बड़े पैमाने पे, नाडू मतलब बहुत ज़्यादा असेंबली, ठीक है, लाइक आप डिस्ट्रिक्ट की समझ लीजिए, काइंड ऑफ। तो इसी से नाम पड़ा है तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे इंडिया में पड़े हैं, ठीक है। नगरम, नगरम इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, नगर, ये आजकल का रिसेंट नेम भी है, जैसे नगर पालिका वगैरह वगैरह। तो ये नगरम किस लिए होते थे, कि जितने भी मर्चेंट्स वगैरह थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती थी, कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, और क्या क्या है, ठीक है। ये लोकल असेंबलीज होती थी, ये जो बहुत सालों तक इन्होंने काम किया, ठीक है। एंड क्योंकि और ऑनरी पीपल क्या करते थे, कि यहाँ पे पहली बात तो कालिदास थे, जैसे आपको पता है, कालिदास ने इनके बारे में बताया कि जितने भी किंग और ब्राह्मण्स थे वो ज़्यादातर संस्कृत में बोलते थे, और जितने भी मैन वुमेन लाइक लोकल लोग थे वो प्राकृत में बोलते थे, या प्राकृत यूज़ करते थे, ठीक है। इनका बहुत ही फेमस प्ले है अभी अभिज्ञाना शकुंतलम। इसमें क्या हुआ था कि एक लव स्टोरी है ऑफ किंग एंड नेम्ड एक यंग वुमेन शकुंतलम, ठीक है। तो इनकी लव स्टोरी है, तो इन्होंने प्लेज वगैरह लिखे हैं बहुत फेमस फेमस। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फाहिन ने बताया है, इनके अकाउंट्स दिए हैं कि बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स वगैरह होते थे, एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट द सोसाइटल व्यू, कि वहाँ पे अनटचेबल्स भी होते थे, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि एक कास्ट होती थी लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इनको चंडालास कहते थे। जब भी ये लाइक विलेज वगैरह में एंटर होते थे तो ये ऐसे वुड स्ट्राइक करते थे, ठीक है, ऑन अ प्लेट वगैरह समथिंग, कि बता देते थे कि हम आ रहे हैं, कृपया आप घर के अंदर चले जाए, मतलब ऐसा होता था कि इनकी शेडो भी पड़ जाए किसी के ऊपर तो उनको बुरा माना जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो रोना भी नहीं चाहिए वैसे, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब उनको मानते थे कि उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए उनको। तो बाना भाटा भी बताते हैं कि जो इनकी आर्मी थी वो बहुत, जब मूव करती थी वो कैसे मूव करती थी, लाइक दे यूज एवरीथिंग लाइक ट्रम्पेट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, रैबिट्स, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें, पहले ये गोट्स वगैरह को आगे चलाते थे, ठीक है, वो घास क्लियर करती रहती थी, आप पीछे पीछे चलते रहते थे, ठीक है। कैमल्स वगैरह, ठीक है, ह्यूज आर्मी थी इनके पास, बहुत ही बड़ी आर्मी, जैसे ट्रम्पेट्स वगैरह यूज़ करते करते चलते थे, ठीक है। एंड सो ये मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में सब कुछ है, जैसे आपको पता होगा कि 7th सेंचुरी में अरेबिया वगैरह में इस्लाम आया, इस्लाम में अल्लाह ने मोहम्मद प्रॉफिट को उनके सारा बताया, जैसे इस्लाम के बारे में आपने पढ़ाई है, तो कुरान एक सेक्रेट बुक है इस्लाम की, और इफ़ यू वांट मैं एक लेक्चर भी बना सकता हूँ इस पर, सो लेट मी नो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।